यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणामों से असंतुष्ट कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रही कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं का कहना था कि विद्यालय प्रबंधक द्वारा यूपी बोर्ड के आदेशानुसार कक्षा 10 के 50% और कक्षा 11 के 40% व कक्षा 12 के प्री बोर्ड से 10 अंक जोड़े जाने थे, लेकिन विद्यालय प्रबंधक ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके कारण सभी छात्राओं को कम अंक मिला है, जिससे छात्राओं को आगे के कक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने में दिक्कत होगी। छात्राओं ने जिलाधिकारी से मांग किया कि विद्यालय प्रबंधक से वार्ता कर अंकों को सही ढंग से जोड़ने के साथ बोर्ड को प्रेषित करे और दोबारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए तथा परीक्षाओं को दोबारा कराया जाए, जिसे सही प्रतिशत मिले और आगे के परीक्षा में बैठने पर कोई दिक्कत ना आए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा अंजलि मिश्रा एवं आस्था गुप्ता ने कहा। मैं कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा नाम अंजलि मिश्रा, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। और जैसे कि बोर्ड का सर्कुलर आया था कि 10th क्लास से 50% जाएगा, यूपी बोर्ड का 10th क्लास से 50% जाएगा, 11th से 40% जाएगा और 12th से 10% जाएगा। हमारे स्कूल ने 11th क्लास के हाफ ईयरली के मार्क्स भेजे, 12th के दोनों प्री बोर्ड्स का एवरेज करके भेजा, लेकिन 10th का मार्क्स नहीं भेजा, जिसकी वजह से हमारे परसेंटेज एकदम गिर गए। मैंने टेंथ में 85 स्कोर करा था, 85%, और मैं अगर 10th और 11th का मार्क्स अपना जोड़ती हूँ तो मेरा 80% ऐसे ही आता है। मैं 12th का ना जोड़ूँ अगर तो, और मुझे मिला है 67%, तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज, और जब हमने इनसे पूछा कि आपने 10th का मार्क्स क्यों नहीं ऐड करा, तो उन्होंने कहा कि हमसे बोर्ड ने पूछा ही नहीं, मांगा ही नहीं हमसे 10th का मार्क्स, तो हमने नहीं भेजा। और अब जब हम लोग स्कूल गए तो हमारे पेरेंट्स के साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया गया, हम लोगों की सिस्टर मिलने भी नहीं आई, प्रिंसिपल मिलने भी नहीं आई हम लोगों से, हम लोगों को वहाँ से भगा दिया गया, हम लोगों से बात भी नहीं। हम बस इतना कह रहे कि हमारी कन्फ्यूजन आप दूर कर दीजिए कि आपने कैसे कैसे मार्क्स भेजा है, क्या किया है आपने, क्यों नहीं भेजा। हेल्पलाइन नंबर जारी किया, उस पे शिकायत किया आप लोगों ने? जी उन्होंने दिया है, लेकिन हम पहले अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम स्कूल में पूछे कि आपकी तरफ से क्या गया है, लेकिन वो लोग इस पे भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हम लोग के साथ। अगर वो हम लोग को बता दे कैसे मार्क्स भेजे हैं तो हम लोग फिर शासन से बोलेंगे ना, पहले हम स्कूल पे जाएंगे क्योंकि हमारा मार्क्स स्कूल के थ्रू गया है। आस्था गुप्ता, हमारे बोर्ड के रिजल्ट बहुत खराब आए हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। मतलब हमारे जो क्राइटेरिया था, रिजल्ट का क्राइटेरिया था, वो हमारा था कि 10th का 50% रहेगा, 11th का 40% रहेगा और 12th के प्री बोर्ड का 10% रहेगा, लेकिन हमारे स्कूल ने हाफ ईयरली का बस हाफ ईयरली एग्जाम के रिजल्ट दिए और प्री बोर्ड का एवरेज निकाल के दे दिया है। हम लोगों ने पूछा कि 10th का रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया है, तो वो लोग कह रहे हैं कि बोर्ड्स की तरफ से मांगा नहीं गया था और जो भी हम लोगों ने रिजल्ट दिया है बोर्ड्स ने अपने आप कम करके तब आप लोगों को रिजल्ट दिया है। और हम लोग स्कूल में जाके बोले तो हम लोगों को स्कूल वालों ने भगा दिया स्कूल से। कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज।